देखिए, भक्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे घर में शादी नहीं हो पा रही है। भक्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। भक्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया है, घर में शादी नहीं हो रही है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि शादी नहीं हो रही है। कोई भी रीज़न हो सकता है शादी नहीं होने का, ठीक है। तो मैं आज आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ, छोटा सा प्रयोग बता देता हूँ बाबा महाराज की कृपा से। उस प्रयोग को कर लीजिए, आपके घर में जो शादी की समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। आपके घर में जो बच्चों कुंवारे रह रहे हैं वो समस्या दूर हो जाएगी। इस बाबा के इस प्रयोग को कर लीजिए। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ कि इस प्रयोग के करने से आपका जो है, ये जो शादी वाला मैटर है, चाहे किसी ने कितना ही गंदा क्यों ना कर रखा हो, आपकी शादी का जो मैटर है वो ख़त्म हो जाएगा, बच्चे की शादी हो जाएगी। इसको कर लीजिएगा। बस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जहाँ पे ये चैनल आ रहा है उसके नीचे में लाल रंग का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबा के बेल आइकन दबा शेयर करना है। ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि हमें इस चैनल को भक्तों तक पहुंचाना है, नई नई घर में पहुंचाना है, जगह जगह पहुंचाना है, बाबा की ज्योत का प्रकाश आगे बढ़ाना है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय धाम हर की, जय बागड़ की सरकार की, जय मेरे गुरु गोरख तेरी सदा है जो। तो चलिए, स्वागत है चेला गोरख का। आप सभी को बताते हैं कि शादी की जो समस्या है वो कई कारणों से होती है। कई बार कुंडली के कारण होते हैं, कई बार किसी की हाय नज़र टोक का कारण होता है, कई बार बहुत सारे जो हमारे शुभचिंतक होते हैं वो हम पे कुछ किया कराया कर देते हैं जिससे शादी नहीं हो पाती है, ठीक है। और कई बार पितरों की समस्या की वजह से भी शादी नहीं होती है। तो मैं आज एक ऐसा उपाय लाया हूँ जिससे कंबाइंड रूप से ये सारी समस्याएँ एक साथ ख़त्म हो सकती हैं और आपकी जो शादी की जो समस्या है वो पूर्ण रूप से सही हो सकती है। पूर्ण रूप से आपकी जो शादी की समस्या है वो सही हो सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं से कहीं तक भी, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा से उनका ध्यान करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेकर उनका ध्यान करते हुए आपको क्या करना है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें महाराज का ध्यान है, ध्यान गुरु गोरखनाथ जी का है, पर उपाय देवी के साथ करना है, ठीक है। महाराज का ध्यान है और उपाय देवी के साथ करना। करना क्या है आपको, भारत गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में आपको प्रार्थना करनी है कि जी मेरे बेटे या मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। ये माताएं, ध्यान रखिएगा, माताएं कर रही हैं। और जब इसको वो खुद करें, यानी कि जो लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हो, अगर इस उपाय को वो खुद करता है तो वो इसको ऐसे बोलेगा कि गुरु महाराज चरणों में प्रार्थना करेगा कि मेरी खुद की मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, हमारा गोत्र ये है, हमारी शादी नहीं हुई है, हमारी शादी का कुछ भी उपाय करें, ठीक है। माताएं अगर माता पिता कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों का नाम लेंगे, अपने गोत्र का नाम लेंगे और बताएंगे हमारे ये बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उनका कुछ उपाय करें, उनका आशीर्वाद दें। और ऐसा कहने के बाद उनसे बोलेंगे, हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे बाबा महाराज, हम माँ पार्वती के चरणों में एक छोटी सी अरदास लगा रहे हैं, आप हमारे काम को करवाएं। देखिए, आप भी जानते हैं कि होता क्या है लाइफ में, अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी रहते हैं तो क्या होता है, हम किसी के पास जाते हैं अपने काम कराने के लिए तो काम कई बार जल्दी से नहीं होता है, फिर हम किसी के सोर्स लगा देते हैं, काम जल्दी से हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ है कि माँ पार्वती के पास जाना है आपको काम कराने के लिए, पर बाबा गोरखनाथ जी की सोर्स लगा देनी है तो काम बहुत जल्दी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब करना क्या है आपको, आपको क्या करना है कि आपको एक पर्चे पर माता पार्वती का श्रृंगार का सामान लिखना है, श्रृंगार का सामान लिखना है। एक मंगलसूत्र, एक बिंदी का पत्ता, एक लिपस्टिक का लिपस्टिक, एक काजल, ठीक है, एक पाउडर, एक लाल चुनरी, एक साड़ी, जो भी आप देना चाहें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारा सामान लिखे आप, मैं कह रहा हूँ श्रृंगार का एक कहते हैं ना, जो नवविवाहिता स्त्री होती है उसके श्रृंगार का जो भी सामान आप दे सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार, मैं इसमें कोई कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ, अपनी सामर्थ्य अनुसार। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जो पत्ते से आते हैं ना, वो जो पत्ते आते हैं बने बनाए से, जिनमें लिपस्टिक काजल और सब रहा है, वो मत रखिएगा, वो बेकार होता है। आपको रखना है तो एक काजल, एक लिपस्टिक, एक डिब्बी अलग से ले लीजिएगा, वो अच्छा रहता है, चाहे वो 10 रुपये की हो चाहे 20 रुपये की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो अलग वाली ले लीजिएगा, पत्ते वाली मत लीजिएगा, इतना ज़रूर मैं कहूँगा आपसे, ठीक है। तो श्रृंगार का सामान आप एक अभी लिया नहीं है आपने, आपको अभी कागज़ पे लिखना है, ठीक है। एक श्रृंगार का सामान आपको कागज़ पे लिखना है, ठीक है। हाँ, ये लिखना है एक कागज़ पे लिखने के बाद आपको वो कागज़ पे अपने बच्चे का या अपना, जो अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अपना नाम लिखेंगे, या अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो अपने बच्चे का नाम लिखेंगे, पूरा नाम उसके ऊपर लिखना है और उसका एक फ़ोटो, छोटा सा
उस कागज में रख के, उस कागज को ऐसे लपेट के और माता पार्वती के चरणों में रख देंगे और माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, इसमें मेरे बच्चे की फोटो है या मेरी फोटो है, मेरा नाम ये है और मैं आपके चरणों में आपके श्रृंगार का जो है भेंट चढ़ा रहा हूँ, उसको स्वीकार करें और मेरे जीवन में मेरा हम सफ़र भेज दें, मेरे जीवन में मेरा हम सफ़र भेज दें, चाहे वो अब लड़का है तो लड़की आएगी, लड़की है तो लड़का आएगा, ठीक है, मेरा हम सफ़र भेज दें, ऐसा कह के माँ पार्वती के चरणों में वो रख देंगे। और क्या कहेंगे कि माता, इस पर्चे में जो जो सामान लिखा है, इस पर्चे में जो जो मैंने अपनी समर्थ अनुसार सामान लिखा है, वो सामान जब मेरा जीवन साथी आएगा तो मैं और मेरा जीवन साथी आपके मंदिर में आपको भेंट स्वरूप देने आएंगे। ये आपको माता पार्वती से कहना है, ठीक है, ये माता पार्वती से आपको कहना है। और कहने के बाद आपको पांच सोमवार ध्यान रखिएगा, ठीक है, माता पार्वती का, मैं भोले बाबा का आपको उपाय नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छे से, माता पार्वती का 5 सोमवार का व्रत आपको करना है पूर्ण, ठीक है। इस व्रत की खासियत रहेगी, बस इस व्रत की एक ही खासियत है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये व्रत जैसे नॉर्मल व्रत होते हैं उसी तरीके से होगा, आपको उपवास रखना है पूरा। सुबह आप माँ पार्वती की पूजा करेंगे, ठीक है, और एक लुटिया गंगा जल आप माता के चरणों में भर के रख देंगे। और शाम के समय जब भी आप इसको व्रत को खोलेंगे, ध्यान रखिएगा रात दिन भर खाते मत रहिएगा कि इसमें फूट पकौड़ी वड़े, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पकौड़ी फूट पकौड़ी कुछ नहीं बुने, ठीक है, आपको शाम को व्रत खोलना है। और शाम को जो व्रत खोलेंगे आप, या तो फल के साथ या किसी मीठे के साथ, फल के साथ या मीठे के साथ खोलेंगे, ध्यान रखिएगा माता पार्वती के व्रत में आपको या किसी फल के साथ खोलेंगे या किसी मीठे के साथ खोलेंगे, ये आपको पहले व्रत में ही तय करना है। और पांचों व्रत में वही होगा, फिर जो भी फल आपने पहले व्रत में तय किया पांचों व्रत में वही फल खाया जाएगा, जो भी मीठा आपने पहले व्रत में तय किया पांचों व्रतों में वही मीठा खाया जाएगा, ठीक है, और आपको उसी से व्रत खोलना। और व्रत खोलने से पहले वो फल या मीठा आपको माता पार्वती के चरणों में भोग अर्पित करना है, भोग अर्पित कर देंगे, भोग अर्पित करने के बाद वो जो जल की लोटिया आपने सुबह भर के रखी थी माता पार्वती के चरणों में, उस लोटिया को बाहर किसी भी पेड़ में, किसी भी पौधे में सिला देंगे आप, अगर पेड़ पौधा नहीं है तो ऐसे ही आप जमीन पर सिला देंगे सूर्य की तरफ मुंह करके, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको अपना फल या मीठा जो भी है वो खाना है, फल या मीठा जो भी है वो आपको उसके बाद खाना है, उससे पहले आपको वो फल या मीठा नहीं खाना है, ठीक है। तो ये माँ पार्वती के इस तरीके से आपको 5 व्रत पूरे करने हैं, बाबा की कृपा होगी, गोरखनाथ जी महाराज की कृपा होगी, माँ पार्वती की कृपा होगी, 5 व्रत पूर्ण होने से पहले पहले आपकी शादी का कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो 5 व्रत पूर्ण होते होते हो जाएगा, शादी की सहनाई का आपका जुगाड़ हो जाएगा बताएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने पर्ची में लिखा है, जो भी सामान लिखा है, वो सामान आप और आपका पार्टनर, यानी कि आपका जो भी जिससे शादी हुई है आपकी, वो आप दोनों जोड़े से माँ पार्वती को मंदिर में चढ़ा के आएंगे, ठीक है, माँ पार्वती को मंदिर में चढ़ा के आएंगे। अब बहुत सारे लोग सोचोगे माँ पार्वती को कहाँ ढूंढे, भैया जहाँ भी शिव परिवार होता है वहाँ माँ पार्वती की तस्वीर ज़रूर होती है पिंडी के पास में, ठीक है, तो माँ पार्वती को वो श्रृंगार चढ़ा कर आएंगे, उनके चरणों की करेंगे और उसके बाद फिर वापस बाबा गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में प्रसाद चढ़ाएंगे और उनसे नाक रगड़ के उनको धन्यवाद कहेंगे, ठीक है। तो ये एक आसान सा उपाय मैंने आपको बता दिया, इससे सारे आपको कोई भी दोष हो, किसी भी वजह से आपकी शादी रुक रही हो, इस उपाय से माँ पार्वती की कृपा से, बाबा गोरखनाथ जी की महाराज की कृपा से आपका शादी का जो लगन है वो 100% पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस उपाय को कीजिए और बाबा महाराज की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चैनल को फिर मैं कहूँगा सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी, जितने ज़्यादा भक्त इसको सब्सक्राइब करते हैं उतने ज़्यादा भक्तों तक ये पहुँच रहा है और रात दिन नए नए भक्त जुड़ रहे हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है। मैं किसी भक्त से कभी भी कोई पैसा नहीं लेता हूँ कुछ भी बात बताने का, समझाने का, कहने का। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो क्रिया में बीच में करता हूँ या कराता हूँ, उसके लिए मैं पहले से बता दूँगा अगर उसमें पैसे की ज़रूरत होती है तो, नहीं तो मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लेता और मैं कोशिश करता हूँ मैं सभी भक्तों के जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की हम परेशानियों के बाबा महाराज तक पहुँचा सकें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय बाबा महाराज।